नमो अर्हन्तान् नमो सिद्धान् नमो आयरियान् नमो वज्झायान् नमो लोये सवसाहूण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम का पूर्व रंग चल रहा है। 13वीं गाथा से शुद्ध नय की चर्चा प्रारंभ की है। शुद्ध नय से नव तत्वों को जानना सम्यक्त्व है। फिर वह शुद्ध नय क्या है इसकी चर्चा 14वीं गाथा में की और 15वीं गाथा में ऐसे शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति आत्मा को जानना वह समग्र जिन शासन का जानना है। इसका अर्थ समग्र जिनवाणी में शुद्ध नय को कितना महत्व है ये बात अपने ख्याल में आती है और इसीलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस शुद्ध नय को हम समझ रहे हैं। सामान्य चाहे बहुत धार्मिक भी व्यक्ति कहलाए कदाचित स्वाध्यायी भी कहलाए सामान्य जनों में मुमुक्षुओं को छोड़कर स्पष्ट शब्दों में कहे मुमुक्षुओं को छोड़ करके सामान्य जनों की यदि बात करें कदाचित स्वाध्यायी भी हो बहुत अच्छा स्वाध्यायी भी हो लेकिन शुद्ध नय का स्वरूप शुद्ध नय की महिमा जैसी गुरुदेव श्री की परंपरा से अपन लोगों को प्राप्त होती है वह सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं होती। उन्हें वह बात ख्याल में नहीं आती। उन्हें तो जैसे चरणानुयोग है जैसे कर्णानुयोग है कर्णानुयोग का कोई विषय है ऐसे द्रव्यानुयोग का भी एक विषय है नयों का भी एक विषय है वो इसी रूप में उसे लेते हैं जबकि सचमुच सारे जिनागम का निचोड़ शुद्ध नय है। बनारसदास जी ने तो छंद ही लिखा ना वह या निचोड़ इस ग्रंथ को यह परम रस पोक गहे तजे शुद्ध नय बंद है गहे शुद्ध नय भाई इतना निचोड़ है इस ग्रंथ का ये निचोड़ है और ये ग्रंथ अपने आप में सारे जिनवानी का निचोड़ है। समय सार के अलग अलग अर्थ करते हुए प्रारंभ में चर्चा की थी अपन ने। समय माने मत सिद्धांत जिनवाणी और उसका सार निचोड़ ये समय सार है और उसमें निचोड़ है शुद्ध नय और उस शुद्ध नय का स्वरूप समझने चर्चा करने चिंतन करने और साथ में समझाने का सौभाग्य अपन सबको मिलता है ये सचमुच हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ये बात समग्र जिनवानी के लिए गुरुदेव कहते हैं ये काने पढ़ना दुर्लभ है और हमें उसमें से मूल बात समझ में आ रही है और ये यहाँ इस 15वीं गाथा में तो समग्र जिन शासन का जानना का इतना जिसने जान लिया समझ लिया उसने सारा जिन शासन जान लिया। टीका में जरूर वह ज्ञान की अनुभूति से आत्मा की अनुभूति कैसे होती है तो ज्ञान की अनुभूति होती कैसे है
सामान्य तरीके से हमें निरंतर ज्ञान का अनुभवन चलते हुए भी 17वीं 18वीं गाथा आ रही है, नज़दीक ही है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है, ज्ञान स्वरूप आ रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, संकेत मैंने कल किया था। संकेत कल क्या किया, बराबर प्रारंभ से एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है ना, हमेशा के लिए पहले से पढ़कर आओ, यहाँ पढ़ो समझो, फिर जाकर के पढ़ो। और जब जब प्रकरण चलता है तब भी कहते हैं इस विषय को यहाँ से बराबर ये पढ़ो। जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको विषय अच्छी तरह से ख्याल में आएगा, यहाँ पढ़ने लगे तो बहुत समय लगता है, वो अपने विषय भी आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं उस पूरे को तो नहीं पढ़ूँगा। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ सिर्फ पढ़ते हैं, विषय भी अपना दोहराने में आएगा और उनने जो विशेष बात कही है वो भी अपने ख्याल में आएगी, और अगला कलश प्रारंभ करेंगे। कलश भी बहुत क्रमश सभी मार्मिक आ रहे हैं। आज चर्चा अपनी पूर्ण होने के बाद कलश पद्यानुवाद का पाठ करेंगे, सभी ध्यान से सुनना। पहले से ही कह देता हूँ, आज की आपकी सहजानंदी शुद्ध स्वरूप ही लंबी होगी, वो एक वाक्य तीन बार बोलने में नहीं होगा पूरा, आज पूरे कलश के पद्यानुवाद के रूप में होगा। जब चर्चा पूरी करेंगे तब जो निर्देश देना है मैं दूंगा उस समय में, लेकिन पाठ इसका कलशों का भी पूरा करना है, पहले से संकेत कर दिया आपको। 195 पेज पर 15वीं गाथा का भावार्थ, यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। कहा निवेश पढ़ लिया हूँ वाक्य, क्या लिखा, अरे यहाँ छोड़ दिया ना, मुझे यहाँ कहीं तो पूछना था, यहाँ क्यों छोड़ दिया, वो तो कह रहे यहीं तो बैठे ही तो है, यहाँ क्या बोलना है उसमें, यहाँ तो बैठे ही है। यहाँ का अर्थ क्या होगा, यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। यहाँ मतलब कहाँ, 15वीं गाथा उसकी टीका में ये कहा गया है, उसका भावार्थ है ना, यहाँ माने इस गाथा की टीका में आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ कैसा लिखते ये भी ख्याल में आएगा, वो विषय को लेते हुए सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं, ये शुद्ध परिचिदानुभूता सवसवी काम भोग बंद कहा, ये तो है ही, पांच इंद्रिय के विषय में तो लुब्ध है ही, लेकिन विषयों के अलावा भी। सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, जो और कोई राजनीति की चर्चा सुनते हैं, कौन से इंद्रिय का विषय है, पांच इंद्रिय के विषयों में कौन से, मैंने कौन से इंद्रिय का, वो कर्णेन्द्रिय के लिए तो वो कर्ण प्रिय बढ़िया संगीत होता है ना, वो कर्णेन्द्रिय का विषय होता है, बहुत बढ़िया संगीत हो, गीत हो, वे होते हैं ये चर्चाएं, ये सुनते पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, ये कौन से विषय, ये जानना, ये ज्ञेय क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये जानना चाहते हैं। अभी तो ऐसा अभी देखने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पहले कभी कभी यहाँ अमिताभ बच्चन की शूटिंग हो रही है और किस किस की कभी कभी होती थी, तो जानकारी मिल जाए तो हमारे शास्त्रीय विद्यार्थी भी चले जाते थे, और वहाँ तो डंडे बरसते थे, डंडे खाते थे, फिर भी अंदर घुस के
नृत्य कुतूहल तत्व को मरियवी देखो धाये, ये तो वो उस तत्व के कुतूहल के संदर्भ में कहा, लेकिन वो नाटक के लिए ये करते थे हाँ, सौ सौ बड़े डंडे खा कर के भी वो जा कर के हाँ तमाशा घुस के देखे क्या, सौ सौ डंडे खाए तमाशा घुस के देखे हैं। तो ये अब क्या है वहाँ, वहाँ क्या है? अरे जो कोई अच्छा सिनेमा बन भी रहा होगा तो बनेगा, आ जाएगा ना सामने ही, जब देख लेना। लेकिन अच्छा वो किसको, वो हीरो को देखना है, वो देख जब आएगा सिनेमा ही तो जब देख लेना ना, मतलब वहाँ क्या है विशेष, दिन कैसे होते हैं, क्या होता है, ये जिज्ञासा, जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं है। गे क्या है, कैसे हैं, ये देखना जानना चाहते हैं ये अकेले उसमें। अच्छा विषय क्या है उसमें, कौन से इंद्रिय का विषय है, ये मन का, मन में एक बैठा हुआ है वो मन का विषय है। चक्षुरिंद्रिय का विषय, चक्षुरिंद्रिय का विषय तो बढ़िया बाग बगीचे देखो उसमें है, उनको क्या देखने में है। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे भी मनुष्य हैं, हम में उनमें क्या अंतर है, आँख नाक कान वे तो उसकी जगह है, यदि उनकी पूंछ लगी होती, उनके सींग निकले हुए होते तो चिड़ियाघर में रखते उनको, फिर देखने जाते हैं, टिकट लगा करके जाते हैं, क्या है ऐसा। लेकिन है विशेष ये गे लुब्धता, वो जानने की, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में लुब्ध हो रहे हैं वो, उसमें वो विषय में पांच इंद्रिय के विषय नहीं अकेले, हर एक इंद्रिय का जो अच्छा अच्छा विषय लगता है वो विषय नहीं अकेला, जानना जिज्ञासा, इसलिए गे लुब्ध शब्द दिया, गे गे के जानने की ऐसी लुब्धता। अभेजे एक उदाहरण देते हैं ना, यहाँ पर्दा लगा दिया जाए और पर्दे के पीछे टूटी हुई सड़ी हुई झाड़ू रखी हो और सिर्फ वहाँ लिखा हुआ हो अंदर झांकना मना है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, जो उसको पढ़ेगा और झांके बिना नहीं रहेगा। तो क्यों, लिखा भी है ना झांकना मना है, या ये लिखा यहाँ कुछ नहीं मत देखो, तब जरूर देखेंगे हा? क्या है, क्यों, ये मन का विषय, ये मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा जानो क्या है, क्या है ये जानो, ये सब गेय की लुब्धता। अज्ञानी जन गेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं, वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही गेय मात्र आस्वादन करते हैं। जो जो जानते हैं उस जानने में ज्ञान ही अनेकाकार हो रहा है, इन सबको जानने वाला ज्ञान, लेकिन वो अनेकाकार हुआ, वो गे जानने में आया ना, उसमें उस गेय मात्र आस्वादन करते हैं, ले रहे जान रहे अपने ज्ञान को, लेकिन किस रूप में जान रहे हैं, गेय के रूप में जानना ज्ञान का हो रहा है और समझ रहे इस गेय को जाना, गेय की मुख्यता हो रही है और गेय का आस्वादन करते हैं। परंतु गेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते, ये अज्ञानी की स्थिति, उन सब गेयों से भिन्न ज्ञान मात्र सहज जानन जानन उसका आस्वादन नहीं करते। अब इसके विपरीत ज्ञानी की स्थिति क्या है, जो ज्ञानी है गेयों में आसक्त नहीं है, वे गेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं। तो कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी आएगा, अब वो कोई नाटक देखेगा, कोई गीत सुनेगा, कोई खाना खाएगा, तो उसे वो बराबर ध्यान में नहीं आएगा, ये कौन सा गीत गाया जा रहा है, कौन सा संगीत बज रहा है, खाना खाने में कौन सा मीठा पकवान है, ये सब भिन्न भिन्न जानने में नहीं आएंगे क्या। अच्छा बहुत बढ़िया खाना बना होगा तो आज खाना बहुत अच्छा है ऐसा महसूस होगा कि नहीं होगा, ये सब होगा, वो सारे उन विशेष उन गेयों को बराबर जानेगा, लेकिन
उन गेयों में वह आसक्त नहीं होता है। यहाँ आसक्ति उसकी श्रद्धा की तरफ से लेना, उसे श्रद्धान में बराबर ये रहता है मैं वास्तव में सिर्फ इनको जानने वाला हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये भिन्न भिन्न जानते हुए भी मैं कौन, इसका संचेतन आनंद। पांच इंद्री विषय भूमिका अनुसार चौथे गुणस्थानवर्ती के पांचवें गुणस्थानवर्ती के होते हैं, वो अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन वे सभी पांच इंद्री के विषय विषयों का सेवन होते हुए भी वहाँ अंदर में आनंद मेरा स्वभाव है, मैं आनंद स्वभावी हूँ, उसका आनंद उनको आता है, और ये बाहर का ये लेते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, उसका आस्वाद आस्वाद नहीं लेते, आसक्त नहीं होते। आस्वादन तो भूमिका अनुसार लेंगे, उन्हें भी खाना चाहिए तो बहुत बढ़िया चाहिए, चक्रवर्ती का खाना कैसे कैसे होता था ये आपने सब सुना होगा पुनः पुनः, और उन वैसा बढ़िया स्वादिष्ट खाना वो सब चक्रवर्ती के ठाठ बात सम्यक दृष्टि होते हुए वे सब होंगे, लेकिन होते हुए भी ध्यान कहाँ है, उसकी महिमा किस बात की है। भरत जी घर ही में वैरागी कहते हैं, और इसलिए वो उदाहरण स्पष्ट करके कहते हैं, उदाहरण देख करके कहते हैं ना, वो एक व्यक्ति कहा कि ये काय के वैरागी होंगे, तो वो इस उदाहरण से समझाना पड़ा, लेकिन अंदर की वृत्ति उनकी निरंतर आत्मसन्मुखता की, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये संचेतन अंदर चलता रहता है, और हमें ये संचेतन नहीं रहता, हमें गेयों की मुख्यता रहती है, स्व के संदर्भ में और पर के संदर्भ में भी, स्वपर को जानते हुए भी गेयों की मुख्यता होती है, उन सब को जानने वाला ज्ञान मात्र मैं हूँ, ऐसा निर्णय, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति हमको नहीं होती, इसका मतलब हम उस ज्ञान का आस्वाद नहीं करते हैं और बाहर के उन गेयों का आस्वाद लेते हैं, गेयों में आसक्त होते हैं, ये अंतर ज्ञानी और अज्ञानी का। उदाहरण को भी दोहराया यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा ने, जिस प्रकार शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, वो व्यंजन शब्द का प्रयोग किया था, या इन्होंने सब्जियों में लिया, अलग अलग सब्जियाँ बनी हो और उन सब में नमक डला हो तो उसका स्वाद, और शाकों से भिन्न नमक की डली, अकेली नमक, उसका क्षार मात्र स्वाद आता है, ऊपर के अज्ञानी वाले में घटित नहीं किया, सीधे ज्ञानी में उदाहरण को ले लिया उन्होंने, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं ज्ञानी, कैसे, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है, और आत्मा है सो ज्ञान है, वो उन्हें समस्त गेयों को जानते हुए भी वो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान मात्र है, ऐसा संचेतन बराबर चलता है। इस प्रकार अब फिर उसे ज्ञान और आत्मा से जोड़ते हुए बात करते हैं, इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, अब ये गाथा का विषय आ गया, अबद्ध स्पृष्ट सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, अबद्ध स्पृष्ट अपनी पर्यायों में एक रूप अनन्य, निश्चल माने नियत, अपने गुणों में एक रूप माने अविशेष, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न माने असंयुक्त, ये जयचंद जी छाबड़ा की शैली। अब ये विशेषण, उन्हीं विशेषणों को सरल भाषा में लिखा, अब इसको अपन ने जोड़ा तो ध्यान में आएगा, लेकिन पढ़ते जाओ तो नहीं आएगा ख्याल में कि किस विशेषण का विषय भाव लिया हुआ है। अपने स्वरूप का अनुभव ही ज्ञान का अनुभव है आत्मा का अनुभव, लेकिन उसे ही क्या कह रहे हैं, ज्ञान का अनुभव, क्यों, गुण गुणी की अभेद दृष्टि से, ज्ञान गुण है आत्मा गुणी है, इन दोनों को अभी अभेद दृष्टि से कहते हुए ज्ञान गुण के अनुभव को ही आत्मा का अनुभव कह रहे हैं। और यह अनुभवन भाव श्रुत ज्ञान रूप जिन शासन का अनुभवन है, ऐसी अनुभवन को जिनवाणी के साथ जुड़, जिन शासन के साथ जुड़ते हैं, शुद्ध नय से इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भावश्रुत ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान अनुभवन करने वाला भावश्रुत ज्ञान है मूल में,
और वो भाव श्रुत ज्ञान और विस्तार में जाकर के जोड़ना चाहो, वो सम्यक दृष्टि जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, वह आत्मा ऐसा ही है, ऐसा जो उसका अनुभवन चल रहा है वह जिनवानी में पढ़कर समझकर अनुमान से जो निर्णय किया है उसका अनुभवन हो रहा है, इसलिए जिनवानी के आधार से, इसलिए जिन शासन आगे बीच में समझ लीजिए, जिनवानी में जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा पढ़कर विश्वास कर उसमें और अनुमान से निर्णय करते हुए उसमें निश्चल हो रहा है, उसमें स्थिर हो रहा है, और वो ऐसा अनुभवन करना वह भावश्रुत ज्ञान। तो भावश्रुत ज्ञान दो तरह से जुड़ा, एक श्रुत ज्ञान जिनवानी को भी कहते हैं और एक मति श्रुत ज्ञान अपना श्रुत ज्ञान है। तो जिस ज्ञान ने जैसा श्रुत में निर्णय, जैसा श्रुत में आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा का वैसा यहाँ भावात्मक संचेतन किया वह भाव श्रुत ज्ञान, शब्दों में सुन लिया समझ लिया वह द्रव्य श्रुत ज्ञान, और ऐसा संचेतन संवेदन यहाँ किया वह भाव श्रुत ज्ञान। अब यहाँ जैसा जिनवानी में कहा वैसा पढ़ा समझा शब्दों से वो द्रव्य श्रुत ज्ञान, और वैसा संचेतन संवेदन किया भाव श्रुत ज्ञान। अब यह श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या होगा? उधर द्रव्य श्रुत ज्ञान तो कह रहे जिनवानी में जैसा कहा और भाव श्रुत ज्ञान में वैसा संचेतन किया, तो किसका संचेतन किया? आत्मा का किया कि जिनवानी का किया? किसका किया? किया आत्मा का, लेकिन वो कैसा आत्मा? जैसा जिनवानी ने कहा वैसा, इसलिए उसी को कहते जिनवानी का संचेतन किया। इसलिए भाव श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान शब्द में दोनों तात्पर्य आ गए, एक जिनवानी का भाव भी आ गया और एक अपना श्रुत ज्ञान जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो रहा है वो दोनों आ गए। और वो अकेला ज्ञान नहीं है, वो आत्मा है, इसलिए उस ज्ञान को आत्मा के साथ अभेद किया। तो यहाँ ये कह रहे हैं शुद्ध नय से देखा जाए इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। किन तीनों में? एक जिन शासन का अनुभव कहना, एक ज्ञान का अनुभव कहना और एक आत्मा का अनुभव कहना, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है शुद्ध नय से कह रहे हैं। क्यों? वही है भाई, भावश्रुत ज्ञान का भावश्रुतात्मक अनुभव क्या हो? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इसे शुद्ध नय से लगाओ, क्या संचेतन, क्या अनुभवन होगा? आत्मानुभव होगा। शुद्ध नय से लगाओगे सात नौ, कहा ही ना तेरहवीं गाथा में शुद्ध नय से नौ तत्वों को जानना सम्यक दर्शन। तो शुद्ध नय से नौ तत्वों को जानेंगे तो क्या जानने में आएगा? ऐसा शुद्ध नय से जिन शासन को जानेंगे तो क्या जानने में आएगा? शुद्ध नय से ज्ञान स्वरूप ज्ञान को जानेंगे तो क्या जानने में, अगर आत्मा को जानने में आएगा तो क्या जानने में आएगा? इसलिए कह रहे तीनों का तात्पर्य एक ही है। तो पीछे कहा था शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति व ज्ञान की अनुभूति है, और इस गाथा में कह रहे हैं वो समग्र जिन शासन की अनुभूति है। तो तीनों का भाव वो एक ही है। जैसे आगे चल करके भाव स्तुति की बात आएगी, निश्चय स्तुति की, निश्चय स्तुति क्या है, और उसमें हम निश्चय स्तुति में देवशास्त्र गुरु माँ भगवान की स्तुति के रूप में लिया समझ लीजिए। अब निश्चय से शास्त्र की स्तुति क्या है, क्या कहलाएगी निश्चय से? ये ऐसा ऊंचा लेकर के और बहुत विनय करना वो स्तुति है, मिथ्यात्म नाश्वे को बोल करके नमस्कार करना वो स्तुति है, या अच्छी तरह से केवली करने, वांग्मय गंगे और कोई जो भी स्तुति बहुत बढ़िया से बढ़िया गा करके और फिर उसकी भक्ति करना वो स्तुति है, या इसका स्वाध्याय करना पढ़ना ये स्तुति है? कौन सी स्तुति है? गा बजा करके हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के करना वो स्तुति है कि ये स्वाध्याय करना ये जिनवानी की स्तुति है? कौन सी स्तुति है जिनवानी की? स्वाध्याय करना तो वो नहीं है क्या? तब कहेंगे व्यवहार से वो स्तुति कहलाती है, और निश्चय से तो ये पढ़ना समझना समझाना ये उसकी स्तुति है। वो वास्तविक जिनवानी का विनय है,
जिनवाणी के प्रति ये नमस्कार। अब कहते हैं कि नहीं, ये नहीं अकेला, अब जिनवाणी में जो बात कही है वो भेद विज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव करना, ये सच्ची जिनवाणी की स्तुति है। वो जैसे ये प्रारंभ में एक छंद बोलते थे ना, जिन स्वानुभूति से खिरी, मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत, आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती, रागाद विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, दृष्टि निज में जोड़ी। तो माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, जिनवाणी के प्रति भाव वंदना कौन सी, दृष्टि निज में जोड़ी के। रागादि विकल्प छोड़ करके दृष्टि निज में जोड़ते हैं, निज आत्म तत्व की दृष्टि करते हैं तो जिनवाणी की भाव वंदना है। अब उसमें तीनों आ गए, कौन कौन से, ये जो जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, ये विनय भी आ गया, आपका जो उसका अध्ययन मनन करना ये विनय भी आ गया, और आत्मलीनता वो भी उसमें आ गई, सब आ गए उसमें। अरे असली भाव स्तुति तो वही है, ऐसे आत्मा के अनुभवन में समग्र जिन शासन का अनुभवन है, ये उसमें शामिल है, इस तरह से उसे जोड़ना। उसे विषय टीका का और उसका जो था उसे भावार्थ के रूप से अपन ने जोड़ लिया। अब इसी, ये जरूर आप इसे पढ़ना जरूर, ज्ञानाकार गेयाकार की चर्चा काफ़ी की गई है, इसे जरूर पढ़ना, और आपको प्रश्न देंगे तब तो आपको जरूर पढ़ना ही पड़ेंगे, जब इसके आधार से आगे के प्रश्न देंगे तो आप पढ़ करके लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ 201 पेज पर आइए, चाहे 14वां कलश मूल ग्रंथ में देखिए 51 पेज पर, उसके ऊपर तीन पंक्तियाँ। गाथा में जिस शुद्ध ने के विषय के जानने को सर्व जिन शासन का जानना कहा गया है, शुद्ध नय का विषय भूत व भगवान आत्मा हमारे ज्ञान में नित्य प्रकाशित रहे, ऐसी भावना आगामी कलश में व्यक्त की गई है। वह कलश जिसमें वो शुद्ध नय का विषय भूत जो भगवान आत्मा है वो हमारे ज्ञान का विषय बराबर बना रहे, ये भावना अगले कलश में भारे, प्रेरणात्मक कलश ही समझ लीजिए। पृथ्वी छंद है, बहुत कम मिलेंगे पृथ्वी छंद के छंद। अखंडितम अनाकुलम ज्वलदनंतमंतर बहिर, महापरममस्तु न सहज मुद्विलासं सदा। चिदुच्छलन निर्भरं सकल कालमालंभते, यदेकरसमुल्लसल्लवन खिल्य लीलायितम्। अमृतचंद्र आचार्य की भाषा पढ़ करके भी खिल जाना चाहिए, जैसे लिखा खिल्य लीलायितम, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का कैसा प्रयोग किया, इसमें थोड़े से संधि अधिक है इसलिए पहले संधि विच्छेद देख लीजिए, पुनः बुलवाएंगे तो आपको स्पष्ट उच्चारण में भी ख्याल में आ जाए। प्रारंभ से देखिए, अखंडितम अनाकुलम, इसमें तो ठीक है दो शब्द थे, अब इसमें ध्यान दीजिए, ज्वलत अनंतम अंतर बही, अनंतम अलग है और फिर अंतर बही जुड़ा हुआ है, ज्वलत अनंतम अंतर बही, और मह मह तेज, तेज के अर्थ में मह, ज्वलत अनंतम अंतर बहिर मह, परमम अस्तु, परमम अस्तु नह सहजम उद्विलासम सदा, सहजम उद्विलासम, अंतिम चरण में ज्यादा है वहां भी ध्यान देंगे। नीचे की पंक्ति चिदुच्छलन निर्भरम, एक सामासिक शब्द बन गया वह,
चिदुच्छलन निर्भरम सकल कालम आलंबते, सकल कालम आलंबते। अब इस पर ध्यान दीजिए, यत एक रसम उल्लसत लवण खिल्ल लीलायतम। लवण खिल्ल लीलायतम ये एक शब्द बना दिया, सामासिक शब्द है पूरा, लवण खिल्ल लीलायतम एक शब्द है पूरा। तो यत एक रसम उल्लसत और फिर लवण खिल्ल लीलायतम, क्या भावना भा रहे हैं? बीचों बीच में ना महा परमम अस्तु नह, ये मूल भाव है। नह माने हमारे लिए, परमम महा अस्तु परम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, महा माने तेज वो तेज पुंज, और अस्तु माने प्राप्त होवे मिले हो, या यही हम है ऐसा हमें अनुभवन होवे। अब बाकी सब उसकी विशेषताएं, वो महा वो तेज पुंज वो कैसा है, क्या क्या विशेषताएं उसकी। यदि लक्षण की अपेक्षा से बात करें तो सबसे पहले लेना चाहिए चिदुच्छलन निर्भरम, सकल कालम आलंबते भी जोड़ दीजिए उसके साथ में, और सकल कालम आलंबते ये सारे विशेषणों के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि सारे विशेषण सर्वदा है। सकल काल, सकल काल वह वैसा ही आलंबन करने वाला है, इसलिए सब में घटित होगा। वह तेज पुंज जो हमें प्राप्त हो सर्वोत्कृष्ट, वो कैसा है कि चिदुच्छलन निर्भरम, जिसमें चैतन्य निरंतर उछल रहा है, छलक रहा है। और कोई चीज़ किसी में से कब छलकती है? जब वह बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरी हुई हो, तो निर्भर चैतन्य से ऐसा आत्मा भरा हुआ है कि वह इसमें से निरंतर उछल रहा है। चैतन्य चित उच्छलन निर्भरम, चैतन्य के उछाल से बिल्कुल भरा हुआ है, चिदुच्छलन निर्भरम। उसके पहले भी ऊपर जुड़ा हुआ है, सहजम उत्विलासम सदा, सदा फिर भी लगा है, सहज ही जिसका उत्कृष्ट विलास, अरे चैतन्य चैतन्य पने से जिसका प्रकाशन निरंतर हो ही रहा है। अब दो विशेषण प्रारंभ के, अखंडितम अनाकुलम, वो तेज वो चैतन्य का तेज वो अखंडित है, खंड खंड नहीं है। ये तो क्षोभशम के कारण खंड खंड हो रहा है, हमारे राग में इसको जानो इसको नहीं जानो, ये इसके कारण से खंड खंड हो रहा है। लेकिन वह जानन जानन रूप से तो अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं पड़ा है। और वैसे भी निगोद से लेकर के सिद्ध तक वो बराबर जीव के साथ चैतन्य पने प्रकाशित हो रहा है, कभी भी छोड़ा नहीं है, इस दृष्टि से बिल्कुल अखंडित है, अखंडितम। और उसे उस ज्ञान रूप से ही स्वीकार किया जाए, बाकी भेद नहीं देखे और पर के कारण से होने वाले राग द्वेष नहीं देखे, इष्टनिष्टपना न देखे पर पदार्थों का, तो रंच मात्र भी आकुलता नहीं है, स्वरूप में आकुलता नहीं है, आत्मस्वरूप में, इसलिए ज्ञान में भी आकुलता नहीं है, सचमुच जानने में आकुलता नहीं है। जानने के साथ राग जुड़ जाता है तो आकुलता होती है। जैसे वो कर्ता पने के लिए ऐसा कहा जाता है ना, दादा इसका विश्लेषण करते हुए ये कहते हैं, टू बी प्लस अहंकार इज इक्वल टू डू, है ना, और टू डू माइनस अहंकार इज इक्वल टू बी, क्या अंतर हुआ? ये टू बी माने होता स्वयं जगत परिणाम, सारा जगत का परिणाम हो रहा है, टू बी हो रहा है, होता है, और उसमें हमने ये जोड़ा नहीं, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये जहाँ अहम जुड़ा मैं पना तो करता पना आता है, और उल्टा जहाँ जहाँ मैं करता हूँ मैंने किया ऐसा लगता है, उसमें से अपने को अलग करो, अहम अलग करो अपना, फिर क्या होगा? वो कार्य होगा कि नहीं होगा? वो तो होगा, वो हो रहा है। वो ऐसे ही आकुलता में क्या हो रहा है,
जहाँ जहाँ आकुलता और दुख हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ज्ञान प्लस राग इज इक्वल टू आकुलता दुख। आकुलता जहाँ हो रही है दुख माइनस राग इज इक्वल टू ज्ञान, लगा लेना कहाँ जहाँ कहीं भी जहाँ आपको आकुलता दुख हो रहा हो, राग 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 का मतलब द्वेष भी क्रोध भी आ रहा हो, उसमें से उस क्रोध को मैं दुख हो रहा ना आकुलता हो रही ना, उसमें से जो जिस विकार से आकुलता हो रही है उसको माइनस कर देना, क्या बचेगा ज्ञान बचेगा, और ज्ञान बचेगा तो फिर क्या रहा, ज्ञान के साथ आकुलता नहीं होती दुख नहीं होता है, इसलिए सहज शांति। और उल्टा ज्ञान जान करके जैसे ही कोई रिएक्शन जोड़ा हमने प्रभावित हुए और जो भी इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष क्रोध जो कुछ भी किया वो प्लस किया, ज्ञान में ये प्लस किया तो आकुलता खड़ी हो गई तो दुख खड़ा हुआ, स्वरूप में नहीं था इसलिए ज्ञान में भी नहीं था, फिर आया कहाँ से, ये कल्पना है सभी, ये काल्पनिक सारा दुख जो है वो कल्पना जनित ही है। वो धवल जी ना धवल जी, इसलिए वो इस वाक्य ऐसा बोलते थे हमेशा, कल्पना वस्त्र भंडार में आग लगाना पड़ेगी, ये जितनी हमारी कल्पनाएं बना रखी है वो जितनी आकुलता है जितने दुख है ना, सुखी होना है तो कल्पना वस्त्र भंडार में आग लगा, माने बहुत सारी कल्पनाएं, ये शरीर मैं हूँ, ये अच्छा है ये बुरा, बहुत सारी चीज़ें जितनी ये सब कल्पना में हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड, तो ये सारी स्थिति है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, तो ये फिर भी इसमें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये सब कल्पना। आने वाली चर्चा भी 19 20 21 22 गाथाओं में ये कब तक प्रतिबद्ध रहता है इसकी बात करते हुए वहाँ ये चर्चा आएगी। इसलिए कह रहे आत्मा और ज्ञान ये दोनों ही अनाकुल है, अखंडित है और अनाकुल है। वो चैतन्यपना कैसा है, सुप्त नहीं है निरंतर व्यक्त, इसलिए ज्वलत अनंतम, अनंतपने से ज्वलंत जाज्वल्यमान स्वभाव जो है सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व ये सारी शक्तियाँ, इसलिए जलते हुए अनंतपने से, और कहाँ अंतर्बही, ये त्रिकाल स्वभाव अंतरंग में है ही और पर्याय में भी उछल रहा है, अंश उछल रहा है, जितना अंश है तीन गुणों का अंश निरंतर व्यक्त रहता है, ज्ञान दर्शन और वीर्य इनका कभी अभाव नहीं होता, ये व्यक्त रहते निरंतर, तो अंशतः वो व्यक्तता है, वो अंशतः व्यक्तता है, वो बता रहे हैं कि इसका परिपूर्ण भंडार अंदर है, तो ये अंतर्बही अंतर्बाह्य निरंतर व्यक्त है, जलद अनंतम अंतर्बही ऐसा वो मह तेज पुंज परमम उत्कृष्ट अस्तु न हमें प्राप्त हो। वह तेज, उस तेज को किसने प्रज्वलित किया, ये किसने उसको माने ज्योत जलाई जाती है ना, किसने ज्योत जलाई वहाँ, यानी सहज किसी ने नहीं है, सहजम और उत्विलासम सर्वोत्कृष्ट तरीके से विलास रूप शोभायमान वो सहज हो रही है, किसी ने उसे नहीं किया और ऐसा वह सदैव है, चैतन्य से भरा हुआ चिदुच्छलन निर्भरम उछलते हुए चैतन्य से भरा हुआ, सकल कालम आलम्बते सर्वकाल उसका आलम्बन माने है उस रूप है उसमें है, यत एक रसम के साथ जोड़ा उसे, यत एक रसम सकल कालम आलम्बते, तो एक रस ज्ञान 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 ऐसे एक रस का सदैव सर्वकाल आलम्बन करता है, उल्लसत और वह भी जो ज्ञान जिसका आलम्बन वह कर रहा है एक रस का वह भी उल्लसित है सुप्त नहीं है, कैसा लवन खिल्ल लीलायतम जैसे नमक की डली
उसमें जो उसका क्षारपना होता है वह निरंतर खिला हुआ रहता है, सुप्त नहीं रहता। रात के अंधेरे में यदि, रात को तो अपन खाते नहीं हैं, कोई चखे तो नमक कैसा लगेगा? आप सो गए तो नमक भी सो गया होगा ना, नींद लग गई होगी उसे, तो नींद लग गई तो खारापना उसका पता नहीं पड़ रहा होगा। तो किस समय उसका खारापना व्यक्त नहीं होता, खुला खिला हुआ नहीं रहता, किस समय? प्रखर कहाँ गया? गायब, बस प्रवचन की और गायब हो गया। इसलिए याद कर रहा था, वो कली विकसित होती है, वहाँ उदाहरण आया था ना, स्फुटत, 33वां कलश है मंगलाचरण का, स्फुटत। तो कली जैसे विकसित होती है, तो वो कह रहा था कमल का फूल सूर्योदय होने पे विकसित होता है और सूर्यास्त होने के बाद फिर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो वो बंद हुआ, समझ लो सुबह खुला विकसित हुआ सूर्योदय से, तो हमारे कमल की सुगंध आने लगी, और सूर्यास्त हो गया तो बंद हो गया, तो फिर उसका सुगंध बिखरना बंद हो गया, समझ लो। तो ऐसे नमक उसमें दिन हुआ तो खारापना व्यक्त हो गया, रात हो गई तो खारापना चला गया, ऐसा होता है। वो सदैव माने जैसे वह नमक जो है वो खारेपने से खिला हुआ, निरंतर नमक की डली उससे जैसे भरी हुई है, ऐसा वो एक रस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो एक रस सकल कालम आलम्बते, सर्वकाल वो एक रस रूप है, चैतन्य से उछलता हुआ है, अखंडित है, अनाकुल है, अंतर बाह्य बिल्कुल ज्वाज्वल्यमान है, सहज विलास रूप है, ऐसा वो तेजपुंज आत्मा नह अस्तु, वह हमारे लिए प्राप्त हो। और ये सारे विशेषण दिए, ये कहते शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा की महिमा वाले हैं, ऐसा शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा हमको प्राप्त होवे। श्लोक बुलाता हूँ पुनः, जितनी चर्चा की उस भाव को ध्यान में लेते हुए पढ़ना। अखंडितम अनाकुलम, पूरा पूरा ही बुलाते हैं, मैंने एक एक 8 चरण हो जाएंगे फिर। अखंडितम अनाकुलम ज्वलद अनंत मंतर बहिर, महापरममस्तु नः सहज मुद्विलासं सदा। चिदुच्छलन निर्भरं सकल कालमालंबते, यदेकरसमुल्लसल्लवन खिल्यलीलायितम्। अर्थ पढ़ते हैं फिर आप बोलने का प्रयास करना। जिस प्रकार नमक की डली खारेपन से लबालब भरी हुई है, ये अंतिम चरण को सबसे पहले लिया अर्थ करने में, लवण खिल्य लीला इतम ये दृष्टांत है। जिस प्रकार नमक की डली खारेपन से लबालब भरी हुई है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान रस से लबालब भरा हुआ है। यत एक रसम सकल कालम आलंबते, वह गेयों के आकार रूप में खंडित नहीं होता। गेय जानने में आते हैं दर्पण में जिस प्रकार से अलग अलग प्रतिबिंब झलके, इन दर्पण खंडित नहीं होता है, दर्पण बराबर अखंड रहता है। वैसे ही चाहे जितने गेयों के आकार उसमें झलक, गेयों के आकार आवे जाने उनको, तो भी खंडित नहीं होता। इसलिए अखंडित है, अनाकुल है, ज्ञान सदैव आनंद रूप है, ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान के साथ आनंद अविनाभावी, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मात्र ज्ञान उसके साथ आनंद जुड़ा हुआ है, इसलिए अनाकुल है, अविनाशी रूप से अंतर में दैदीप्यमान। अविनाशी शब्द किसका निकाला अर्थ? अविनाशी ये अनंत, जलद अनंतम, कभी नाश नहीं हो, अपन अनंत का अर्थ अनंत के रूप में कर रहे थे, अनंत रूप से
ये अनंत का लिया अविनाशी, अंत न आवे ऐसा अविनाशी रूप से अंतर में दैदीप्यमान है, सहज रूप से सदा विलसित हो रहा है और चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। चिदुच्छलन निर्भरम, चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। चिद उच्छलन लिया था ना, उच्छलन तो परिणमन, चैतन्य चैतन्य इस रूप से जो परिणमन हो रहा है उससे, और निर्भरम परिपूर्ण है। ऐसा उत्कृष्ट तेजो में आत्मा हमें प्राप्त हो, उत्कृष्ट तेजो में परमम महा, वो उत्कृष्ट महा तेज और वह आत्मा, ये सब आत्मा की विशेषताएं हैं, वह अस्तु नह माने हमें प्राप्त हो गए। अब बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। बनारस दास जी का छंद अभी बाकी है, कल पढ़ेंगे उसे, जिससे आपको ये कलश का पुनः एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और 15वां कलश प्रारंभ करेंगे। 15वां कलश अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत मार्मिक है, छोटा सा लेकिन बहुत मार्मिक, और इसीलिए ऐसे छंद भी बहुत कम होंगे जिसका पद्यानुवाद चार चार पंक्तियों में किया होगा। है छोटा सा और पद्यानुवाद चार पंक्ति में किया, उसकी तो विशेष चर्चा अपन करेंगे। अब हम कलशों का पाठ करेंगे, जिन्हें अत्यावश्यक हो और नहीं रुकना हो वे विनय करके जिनवानी की जा सकते हैं। जिनवानी की स्तुति हम इसके बाद करेंगे, पूरा पाठ करेंगे कलशों का उसके बाद करेंगे, इसलिए किसी को जाना हो तो वे विनय करके जा सकते हैं। मैं आप पाठ प्रारंभ करो उसके पहले, पाठ का विकल्प इसलिए भी आया, अभी दो तीन कलश जितने अपन पढ़ रहे थे सब में ऐसा आत्मा हमें प्राप्त हो, ये बहुत से कलशों में मिलेगा। सर्वत्र आत्मसन्मुखता, आत्मा के अनुभव की, ऐसा आत्मा ख्याल में लेने की, लक्ष्य में लेने की प्रेरणा हमको दे रहे हैं। और जीव अजीव अधिकार है, भेद विज्ञान का अधिकार है, इसलिए मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए भेद विज्ञान की भावना और वह आत्मसन्मुखता की प्रेरणा जो दी गई है वह हमें अपने लिए स्वयं के लिए सबको लेनी है। मैं भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इधर उधर हो रहे हैं, पुनः एकाग्र होंगे और भाव पर ध्यान दें। बहुत सरल है, सभी हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए ऐसी है, इसलिए जो कलश हो गए वे भी समझ में आएंगे, जो नहीं हुए वे भी भाव नहीं आवे ख्याल में ऐसा नहीं है, इसलिए ख्याल में आता जाएगा। तो हम अपनी स्वयं की एकाग्रता के लिए, स्वयं की प्रेरणा के लिए उस भावना के स्तर पर जाकर के हम इसे पढ़ेंगे। अभी कौन जो लय में पढ़ सकते हैं वे आ जाए, लेकिन वे सिर्फ लय प्रारंभ करेंगे, बाकी सब एक साथ पढ़ेंगे। जहाँ लय इधर उधर होने लगे वहाँ प्रारंभ करना, बाकी सब एक साथ बोलेंगे। जब तक ये पहुँच रहे मंगलाचरण प्रारंभ कीजिए।